हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके माँ बाप आपसे बहुत खुश होंगे। मुझे ऐसा भी फील होता है जब आप रात को सो रहे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे खुश होकर के सोते होंगे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती होगी CBSE बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के। बच्चों, मैं आज आपको एक अपनी बारे में कुछ खुशखबरी बताना चाहूंगा। आखिर ये खुशखबरी है क्या बच्चों? आज शाम को 7:30 के अराउंड मेरे पास एक टीचर्स का फोन आया। मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो दिल्ली के रेपुटेड स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में वो टीच करते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया ऑफिस के नंबर पे कि सर प्लीज़ सर, जितना जल्दी हो सके सर, आप सपोर्टिव मैटेरियल का सॉल्यूशन सर आप अपलोड कर दीजिए। मैं भी सर उन्हीं को देखता हूँ और फिर मैं सर सॉल्व कराता हूँ बच्चों को। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। ये आखिर एक छोटा छोटा जो एक मुझे थैंक्स मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेट कर रहा है। तो बच्चों, मोटिवेट करने के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इससे मैं पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। क्या है? मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है आपके लिए कि बेटा आप क्या करो, जितने भी फॉर्मूले हैं इसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। मेरे हर एक वीडियो देखने के बाद फॉर्मूला रिवाइज करो। अगर आपसे फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो पाता है, अगर आप फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते हो, तो मैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। क्योंकि बेटा मैंने IIT क्लियर किया हुआ है, मैं हूँ SSM सर, फाउंडर एंड CM डेड नाप्स अकेडमी एंड एचओटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड बच्चों स्मार्ट स्किल एजुकेशनल कंसल्टेंसी। बच्चों मैं समय समय पर लोगों को जो है मैं एक गाइड करता रहता हूँ कि किस तरीके से बच्चों को तैयारी करना चाहिए IIT को लेकर के। तो मैं आपको उसके ट्रिक्स बता दूंगा कैसे आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? आपको ये एक चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ना। इस फिगर में आपको ऐसा बना हुआ है ABCD, है ना। आखिर इस ये जो है ना, ये एक आयत है। ये क्या है? ये आयत है। ये आपको क्या है? ये आयत है, यानी कि क्या है, रेक्टेंगल है। इसकी परिमाप पूछा है। देखो बेटा एक बात और बता दो आपको ध्यान से, है ना। देखिए जो ये जो है, ये आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई तो ये है, तो ये भी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर बुक में देखेंगे तो इसका फिगर कुछ ऐसा बना है। आप अपने फिगर देखिए ध्यान से। देखो जब भी आप पढ़ते हो ना, ध्यान से पढ़ो। सपोर्टिव मटेरियल देखो ये है ना। तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है। ये जो इसकी चौड़ाई दिया है 10 मीटर। आयत की परिभाषा ये होती है कि आमने सामने, इधर की चीज है इधर की बराबर, इधर की चीज है इधर की बराबर। तो ये बराबर था, ये 10 है तो ये भी 10 है। बोलो अब अपन को ये वाला चीज चाहिए। देखो लंब दिया हुआ है, अपने को ये वाला आधार चाहिए। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? तो लंब और आधार का रिलेशन टैन में होता है। तो आप बोलोगे कि सर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन लंब बटे आधार। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री, लंब कितना है 10, आधार कितना नहीं है। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 10/x। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो आपका आएगा कितना? एक्स वन जाए एक्स, ये आएगा एक्स बराबर tan√3 मीटर, है ना। तो ये आ गया आपका कितना है? tan√3 मीटर। और ये भी आ गया आपका tan√3 मीटर। अब देखा ध्यान से, अब देखा ध्यान से, अब आप इसको हमसे पूछा क्या गया? परिमाप पूछा गया। क्या पूछा गया? परिमाप, यानी कि जो आयत है, जो हमारा आयत है ABCD की परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल, सॉरी परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी टाइप पढ़ते रहते साथ साथ में। ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 है, ये लंबाई क्या है? ये लंबाई लंबाई है 10√3 प्लस का चौड़ाई कितना है 10।
देखो ये अगर 2 tan 20√3 प्लस का 20, तो ये 20 आप कॉमन ले लो, तो ये अगर रूट थ्री, यहाँ से 20 आएगा तो प्लस का 1 मीटर, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी द क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना एक पिलर दिया हुआ है, जो पिलर का जो परछाई है ना वो ऊंचाई की क्या है, √3 गुना है √3 टाइम्स है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक प्यारा सा आपको फिगर बना रहा हूं, यानी कि इसकी परछाई कितनी है, हाइट से कितनी है, ऊंचाई की कितनी है। देखो मान के चलो कि ये एक पिलर है, है ना, ये एक पिलर है, पिलर ऐसा है, सॉरी पिलर है ना, यहां चलो छोड़ो ये पिलर है। तो क्या लिखा है, पिलर की जो लंबाई है वो ऊंचाई की कितनी है, यानी कि पिलर की जो लंबाई है ना वो √3 गुना है ऊंचाई की। तो हम ऊंचाई को मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा h√3। तो मैंने ऊंचाई को माना, ये है ऊंचाई खंभा का, तो ये कितना हो जाएगा √3 h a b c, ठीक है, यहां हो गया 90 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा गया है कि इसका कोण पूछा है ना, एलिवेशन ऑफ, तो एक काम करो इसका इसका रिलेशन किस में होता है, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे थीटा, है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा, लंब कितना है एच, √3 h से h कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 किस में होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। समझ में आया, समझ लो ध्यान से एक एक करके, है ना, जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप हमें रोक सकते हो, बता सकते हो और हमसे पूछ सकते हो, है ना। अब देखो बेटा, अब आपके लिए एक और छोटी सी खुशखबरी होगी, मुझे पता है ना आप तो ढूंढते रहते हो कि सर ये क्वेश्चंस गलत हो जाए, हमें कम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बेटा पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी कैसा, स्मार्ट तरीके से, ये नहीं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन करो तुम पास हो, मैं अच्छा भाई तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो, आपके पापा भी तो पास हुए हैं, भैया भी तो घर में है वो पास हुए हैं, दीदी भी तो पास होती है, सब लोग पास ही होते हैं। अरे भाई अच्छा नंबर लेकर के आओ, एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, सपोर्टिव मटेरियल भी सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स भी करो, आरडी बाबा को भी समय समय पर प्रणाम करते रहो, उनसे भी बातचीत करते रहो, आरडी बाबा से भी सॉल्व करो, है ना, और टीचर से। हाँ एक चीज मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे छोटी सी बात बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना ये गलत है, ये रॉन्ग है ना, अब ये गलत है, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर ये गलत कैसे है, तो इतना तो एज ए आईटीएन मैं क्यों नहीं बता दूं भैया गलत है, पूछ रहे हो तो लो बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, नजर दोहरा लो, ऐसा दिया हुआ है और ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ, तो ये पूरा जो एंगल लिया है ना वो लिया हुआ है 45 डिग्री, तो गलत है ना, और ये दिया हुआ है 10, कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसमें, है ना, कुछ रिलेशन बन, या तो इतना पार्ट दिया हुआ था 45, इतना कुछ और दिया होता तो थोड़ा सा कुछ बन सकता था, है ना, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन से ना गलत है, महा गलत है, ठीक है, महा गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है बेटा, हमारी कोचिंग है जो नव्स एकेडमी है, हम लोग तैयारी कराते हैं, हमारा तैयारी कराने के पीछे जो एक रीजन है, हम बच्चों को पढ़ाते कैसे है? हम बच्चों को एक चैप्टर के प्रत्येक जो चैप्टर है उसके हम लोग मिनिमम जो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टेस्ट लेते हैं। पहला टेस्ट हमारा होता है बिल्कुल बेसिक्स लेवल, जो बेसिक्स लेवल होते हैं, सेकंड होता है हमारा थोड़ा सा मतलब कि अपर, थर्ड लेवल होता है बिल्कुल हमारा CBSE बोर्ड के लेवल, और एक दो टेस्ट और कराते हैं चौथा और पांचवा, ये जैसे NTSC की तैयारी कोई करता है, ओलंपियाड की तैयारी करता है, किसी बच्चों को पॉलिटेक्निक की तैयारी करता है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर बहुत चढ़ गया है कि हमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, बनना है, बनना है, बन, हाँ भाई बनो अच्छी बात है। तो एक चैप्टर के हमारी एकेडमी है 5 टेस्ट लेती है,
और प्रत्येक चैप्टर के आप सोचो आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो चलो काम की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें फिगर दिया हुआ है, चित्र बने हुए हैं। इसमें हमें देखो, मैं बताता हूँ कैसा बना हुआ है। देखो ध्यान से, आप ऐसा इस तरीके से और इस तरीके से बना हुआ है, यहां से और यहां से खींचा गया है। आराम से खींचो, देखो ए बी सी डी ई, है ना। यहां पे 45 डिग्री दिया हुआ है, यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 100 मीटर है, ये 80 मीटर है ना। अब देखो आपको सॉल्व करना है। आपको पूछा क्या है, बी सी, ये बी सी पूछा है, ये बी सी, तो बी सी बराबर क्या होगा, आपको बी ई प्लस का ई सी चाहिए। तो हम सबसे पहले किसी भी एक त्रिभुज को देखते हैं, देखते हैं हम त्रिभुज ये बी ई में, जब त्रिभुज ए बी ई में जब आप देखेंगे तो आपको बी ई चाहिए, यानी कि लंब और कर्ण, कर्ण और आधार का रिलेशन किस में होता है आप बताओ, कर्ण और आधार का रिलेशन किस में होता है, कॉस थीटा में होता है कि सेक थीटा में होता है, बताओ सेक थीटा में होता है, किस में होता है, सेक थीटा में, कॉस का उल्टा होता है ना। यानी तो आप कर्ण और आधार, यानी तो आप वो भी लगा सकते हो, कॉस का थीटा लगा सकते हो, तो कर्ण बटे में आधार किसका रिलेशन होता है, सेक थीटा होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो आप इसकी जगह है ना एक और चीज देखो, ऐसा देख लो आधार और कर्ण, देखो यहां ध्यान से, आधार बटे कर्ण तो याद होगा कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा, थीटा वैल्यू कितनी है 60, कॉस 60, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार है बी, कर्ण कितना दिया है 100। अब देखो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बी ई बटे में 100, है ना। तो 2 इंटू बी ई पर 100 क्रॉस गुना मल्टीप्लाई कर दिया, बी ई बराबर 100/2 कितने हो जाएंगे, बी ई बराबर 50 मीटर। अब आपको यहां से क्या मिल गया, ये बी कितना मिल गया, ये मिल गया 50 मीटर। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज डी सी ई में, है ना। तो इसमें जब बात करेंगे तो इसमें भी लंब दिया हुआ है, आधार पूछा है, तो ये तो सिंपल है, टैन थीटा बराबर लंब कितना है 80 और आधार कितना दिया है ई सी, टैन 45 के वैल्यू 1/1 ये हो जाएगा 80 बटे में ई सी, तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा 80। अब देखो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ये है कि बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये दिया हुआ है 80, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी ई प्लस में ई सी, बी कितना दिया है 50 प्लस ई सी कितना दिया 80, यानी 8 × 5 = 13 130 मीटर हो गया ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा सॉल्यूशंस कैसा लगा, क्या आपको समझ में आता है, क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है, क्या आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं, आप जिस भी स्कूल्स में पढ़ रहे हो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन स्टेट बोर्ड में भी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर आप कमेंट करते रहें। और आपको नेक्स्ट किसी भी चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको बहुत जरूरी है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपको उसकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अब इसकी नेक्स्ट सीरीज तब तक ले, थैंक यू, बाय, अपना ध्यान रखना, बेस्ट। वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। शेयर करें इस वीडियो लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।